वही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शहर की सफाई के लिए 60 लाख में स्वीपिंग मशीन खरीदा गया, लेकिन अब ये हाईटेक मशीन कबाड़ में तब्दील हो गई है। बता दें कि नगर निगम ने लगभग 15 साल पहले 60 लाख की मशीन खरीदी थी। राजनांदगांव कार्यपालन अभियंता यूके रंगानी ने बताया कि मशीन का सामान नहीं मिलने के कारण और मेंटेनेंस महंगा होने से मशीन को उपयोग में नहीं लाया गया, जिसके कारण मशीन कबाड़ हो गई है। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। राजनांदगांव को जो मिली थी उसकी लागत क्या थी और अभी क्या स्थिति में? 10-15 साल पहले जब नगर निगम को रोप स्वीपिंग मशीन मिली थी उसकी लागत लगभग 7 लाख रुपये थी। अभी वर्तमान में वो खराब हो गई है और काका घर में रखी हुई है। उसको बनाने का कोई प्रयास किया है? प्रयास इस टाइप की नया टेक्नोलॉजी में थी वो, इधर उस टाइप की मशीन मैकेनिक नहीं मिलते। प्रयास किया गया था, बीच बीच में चला भी, उसके बाद अब लागत राशि से भी खर्चा अधिक आएगा तो राजन, इसलिए उसको अभी रिपेयर नहीं कराया। सर, एक ऐसी जानकारी मिल रही कि नया रोड स्वीपिंग मशीन और मंगाया गया था नगर निगम से, इसका क्या मामला? वो पता करके बताऊँगा।